लोको बाजार स्थित पंपू तालाब कॉलोनी के लोगों को इन दिनों गंदा पानी से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि लोग गंदा पानी के बीच रहने को विवश हैं, लेकिन इनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं। लगभग 100 घरों में बारिश और नाली का गंदा पानी प्रवेश कर जाता है। लोगों ने बताया कि रेलवे द्वारा कार्य कराया जा रहा है, जिस कारण मिट्टी की भराई की जा रही है। मिट्टी भरे जाने के कारण बरसात का पानी जमा हो जाता है और पानी घर के कमरे, किचन और बाथरूम में प्रवेश कर जाता है, जिस कारण हम लोगों को काफ़ी परेशानियां होती हैं। वहीं गंदे पानी के दुर्गंध से रहना मुश्किल हो गया है। हम लोगों ने इसकी शिकायत कई बार ठेकेदार से की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ और समस्या जस की तस बनी हुई है। बारिश हो जाने पर पानी सड़क पर भी जमा हो जाता है, ईंट पर चलने के लिए लोग विवश हो जाते हैं। इतना ही नहीं, कुएं के पास भी काफ़ी गंदा पानी जमा हो जाने की वजह से हम लोग कुएं से पानी भरने पर भी असमर्थ हो जाते हैं। पानी जमा रहने के कारण मच्छरों का भी काफ़ी प्रकोप बढ़ गया है, जिससे महामारी का भय हमेशा बना रहता है। बावजूद इसके इस ओर ध्यान देने वाला कोई नहीं। अल्लाह का पानी का जो यहाँ जमावड़ा लग चुका है, इससे इतना परेशानी आदमी को हो रहा है आने जाने में। पूरा महक सबसे ज़्यादा तो इतना महक रहा है कि आदमी एकदम परेशान हो गया, रहना मुश्किल हो जा रहा है इसमें। ठेकेदार को हम लोग 5-6 बार जाके बोले, आज से नहीं 15-20 दिन से जाके बोल रहे हैं। कहीं बोलता शाम में गाड़ी आएगा, सुबह आएगा, लेकिन आज तक गाड़ी आया नहीं। मुंशी को भी यहाँ पर भेजा, लेकिन मुंशी आके देखा, बोला हाँ ठीक है, 1-2 घंटा में गाड़ी भेज रहे हैं, लेकिन अभी तक गाड़ी नहीं आई। हम लोग यही चाहते हैं कि इसी तरह इस समस्या को हम लोग दूर करें, वरना पानी अगर जहाँ लगातार अगर आ गया तो सबका घर में पानी घुसना एकदम तय है। ऐसे तो हम लोग घर में पानी घुस ही जाता है, लेकिन पीछे वाला के लिए भी बहुत दिक्कत हो जाएगी। वही जब से रेलवे गिरा है मट्टी, तब से घर में पानी भर जाता है। घर में पूरा आगे पीछे पानी गिरा, हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है खाना बनाने में, रहने में। पानी में थोड़ी आदमी रहेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। जल्दी बनवा देंगे नली तो हम लोग को सुविधा हो जाएगा। ये परेशानी कब से हो रही है? जब से रेलवे मट्टी गिरा है, बरसात हो रही है, बरसात हो रहा है, पानी गिर रहा है। जब जब पानी गिर रहा था तब हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है कि हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। दिन भर कोई पानी में खड़ा थोड़ी रह सकता है, इसी कारण से रेलवे जो मट्टी गिरा दिया है, इसके कारण सर पानी जमा हो गया। हम लोग का पूरा घर द्वार में पानी घुस रहा है, बहुत तकलीफ़ में हम लोग हैं। आने जाने के लिए भी बहुत तकलीफ़ हो रहा है, महक भी रहा पानी। कुआं का पानी भी ख़राब हो गया है, इसे पीने के लिए दिक्कत है। चापाकल का ही पानी ख़राब हो गया है पानी जमा होने से, इसको थोड़ा ध्यान दें। और हम लोग जाने आने में बहुत तकलीफ़, मतलब रात बिरात को भी बहुत दिक्कत होता है। और एकदम पानी महक रहा बहुत ख़राब, आप खुद देख लीजिए आके। हम लोग मोहल्ला में बहुत कोई आदमी है, हिमायदा है, विनोद भैया है, विपुल है, इंद्राज कुमार है, सबके घर में देख लीजिए टंकी का पानी उल्टा पानी जा रहा घर में ही पाइप के द्वारा। ये समस्या कितने दिनों से है? आज हो गया आपको कम से कम 2 हफ्ता से हम लोग परेशान है। आपका नाम? 2 हफ्ता से किचन में काम नहीं कर पा रहे हैं, पानी नहीं निकल रहा है किचन से, और पानी निकलने का नली का व्यवस्था किया जाए जल्द से जल्द। ये समस्या कितने दिनों से है? लगभग 1 महीना से, जब से बारिश शुरू हुई तब से ये समस्या हो गया है, पानी निकल ही नहीं रहा है। घर में पानी चला जा रहा है जी, घर में पानी घुस जा रहा है, पानी नहीं निकल रहा, कोई काम नहीं हो पाता है। आपका नाम? बेबी कुमारी। आपके मोहल्ले में क्या परेशानी है? अरे पानी को लेकर के यहाँ पर जो पानी पूरा स्टॉक हो गया, सब घर में घुस रहा, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। 2 सप्ताह से हम लोग इतना परेशान है जो कुछ करने लगे हैं, इतना पानी में जाना पड़ रहा। आप लोग इसके बारे में किसी को सूचना दिए हैं? सूचना तो लोग सब मिल करके वहाँ पर दिया है, ठेकेदार को बोला जाकर, ठेकेदार को इसका कुछ हल निकाल दीजिए, हम लोग को दिक्कत हो रहा बहुत ज़्यादा। पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है? ठेकेदार डिलीवर आ रहा, गाड़ी जाएगा। चलिए ठीक है।